अकोला के पातूर तहसील स्थित साने गुरुजी मंडल को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से धारवाड़ कर्नाटक में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 के समापन कार्यक्रम में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, केंद्रीय मंत्री तथा धारवाड़ लोकसभा खासदार प्रहलाद जोशी, केंद्रीय युवा क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर और कर्नाटक राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा जी की उपस्थिति में पातूर के साने गुरुजी मंडल को उनके सामाजिक हित कार्य और अन्य सराहनीय कार्यों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साने गुरुजी मंडल के संस्थापक युवा श्री विशाल राखोंडे जी और उनकी पूरी टीम को गौरव पुरस्कार, सम्मान चिन्ह मेडल और 3 लाख रुपये का धनादेश से सम्मानित किया गया। पातूर जैसे छोटे तालुके से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीतना अपने अंदर एक बड़ी ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी बात है। इससे और भी युवाओं ने प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह के कार्य करते हुए अपने गाँव, अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। यही संदेश के साथ BN24 न्यूज की पूरी टीम साने गुरुजी क्रीड़ा मंडल के सभी टीम और उनके संस्थापक श्री विशाल राखोंडे जी को इस खूबसूरत जीत के उपलक्ष्य में बधाई देती है। BN24 न्यूज की खास मुलाकात में जल्द ही हम आपको रूबरू कराएंगे इस संस्था के संस्थापक से और जानेंगे किस तरह और किन मुश्किलों से उन्होंने ये सफर तय किया है और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हासिल किया है। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज साने गुरुजी कला व सांस्कृतिक क्रीडा बहुउद्देशीय मंडल पातूर। पुट योर हैंड्स टुगेदर। महाराष्ट्र से है, मेकिंग यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन डिफरेंट फील्ड्स। इट इज ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स इन एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, कल्चरल, सोशल, एनवायरमेंटल, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सो ऑन। सो कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ साने गुरुजी कला व सांस्कृतिक क्रीडा बहुउद्देशीय मंडल पातूर।